मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल मस्ट कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C एंड 3D. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मेथड दैट हाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज 3E. एज आई हैड अर्लियर एक्सप्लेन दैट देयर आर टू मेथड्स इन विच वी कैन सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. We already completed prime factorization method. This is the method long division method. ये long division method से square आपको find out करना है. Square root एक perfect square का वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो बेटा देखिए, I am not focusing on exercise. हम example के through आपका खाली concept clear कराना चाह रहे हैं. जैसा कि name से clear है, long division method मतलब कि कुछ division का work इसमें करना है, और डिवीज़न का सिंबल के लिए हम ये इस तरह से सिंबल यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के लिए. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल 784, एग्जांपल नंबर 1. हमको दिखाना है कि ये नंबर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से. यहाँ प्राइम फैक्टर यूज़ नहीं करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड. दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व लॉन्ग डिवीज़न मेथड. देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले जब आपने नंबर लिखा, उसको पीछे से पेयर बनाओ, जोड़ा बनाओ. मतलब दो दो नंबर को एक साथ लिखना है. अब ये 84 तो पेयर बन गया, मगर 7 अकेला है. अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेला रहने देंगे हम. अब आपको जब भी कोई, जैसे हम नंबर डिवाइड करने के लिए, डिवीजन के लिए कोई नंबर दिमाग में लाते हैं, उसमें हमको दिया रहता है कि इस नंबर से डिवाइड करना है. बट यहाँ नंबर दिया नहीं है, हमको खुद से सोचना है कि हम ऐसे कौन से नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये या तो पूरा कट जाए और या इसे छोटा नंबर आए. तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के सम्स हैं, इसलिए आपको परफेक्ट स्क्वायर ही चुनना होगा. यानी कि या तो 1 1 ज़ा 1 करेंगे, या 2 2 ज़ा 4 करेंगे, या फिर 3 3 ज़ा 9 करेंगे. तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, इन तीन नंबर्स में देखिए कौन से नंबर से इसको हम ऑप्ट कर सकते हैं. 3 3 ज़ा 9 7 से बड़ा हो गया, बचा 2 2 ज़ा 4. तो आपने 2 से किया 2 2 ज़ा 4. पहला स्टेप था पीछे से पेयरिंग करी, दूसरे स्टेप में आपने वो नंबर ऑप्ट किया जिससे इसको डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4. 4 लिखने के बाद अब इसको माइनस किया, 7 में से 4 माइनस किया, 3 आया, जैसा कि डिवीजन के मेथड में किया जाता है. अब जब ऊपर से कोई नंबर बोरो करना है, तो एक सिंगल नंबर नहीं बोरो होगा, पूरा का पूरा पेयर बोरो होगा. ये हो गया अब नंबर 384. स्टेप के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जिस नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, वो नंबर यहाँ ला के ऐड करना है. यहाँ माइनस हुआ और यहाँ ऐड, और जो नंबर ऐड होकर आएगा थोड़ा इधर साइड करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर फिर एक नया नंबर लिखोगे जिससे अब इसको डिवाइड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? अब देखिए, अब मेरे पास है नंबर 4. अब 4 के साथ कोई एक ऐसा नंबर हमको लगाना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और मेरे पास ये नंबर आ जाए. यानी कि अगर हम 1 चूज़ करते हैं, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही आएगा. अगर हम 2 ऑप्ट करते हैं, 42 को 42 को 2 से करेंगे, 3 करते हैं तो 43 को 3 से करेंगे. हमारे पास हर नंबर पीछे आने वाले, जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरे पास कुछ ऐसे नंबर हैं 0 2 3 7 और 8, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 4 5 6 और 9. देखो, 5 नंबर ऊपर, 5 नंबर नीचे, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. अब ये नंबर लाने के लिए अगर हमको पीछे 1 चाहिए, तो मेरे पास हर बार 2 ऐसे डिजिट आएंगे. या तो हम 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, या 9 × 9 करेंगे तब पीछे 1 आएगा, 81, ठीक है? ये 1 पीछे 1 लाने के लिए. अगर पीछे 4 चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन है 2 2 ज़ा 4 और 8 8 ज़ा 64. देखो, इसका भी लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट 1. अब देखिए, 9 5 लाने के लिए, 5 लाने के लिए सिंगल नंबर, 5 5 ज़ा 25, ठीक है क्लास? अब 6 लाने के लिए देखिए क्या करना होगा. 6 लाने के लिए 6 6 ज़ा 36 और एक नंबर बोलो, 4 4 ज़ा 16. अब बस गया 9. 9 लाने के लिए 7 7 ज़ा 49 और या फिर 3 3 ज़ा 9. देखो, मैथ्स में है ना, जब आप डिवीजन करते हो तो आपके पास बहुत वास्ट एरिया रहता है. आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई करके देखोगे, इससे भी मल्टीप्लाई, बहुत सारे नंबर इससे मल्टीप्लाई करके आप ट्राई करते हो. बट यहाँ पर आपको हर पीछे आने वाले डिजिट के लिए दो दो, जब वो परफेक्ट स्क्वायर है तब. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तो हम कोई भी छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सिर्फ हर के लिए दो दो नंबर ही मिले हैं हमको. अब पीछे यहाँ 4 है तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ दो ही नंबर की, या तो हम 42 को 2 से इंटू करेंगे, या फिर 48 को 8 से इंटू करेंगे. अब देखो, यहाँ रफ में हम करके देखते हैं. 42 को 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आया सिर्फ. बट वही अगर 48 को 8 से करेंगे तो 384 आ गया. यानी कि 8 मेरा नंबर है
तो 48 को हमने 8 से इंटू किया तो आ गया 384। और जब तक नीचे पूरा नंबर कट नहीं जाए हमको ट्राई करते रहना है। अब ये 8 यहाँ आया, इसको यहाँ ऐड किया प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जबकि हमको आगे नहीं बढ़ना है, फिर भी हम इसको ऐड करके देख लेंगे। अगर यहाँ लिखा गया नंबर यानी कि जो मेरा क्वेश्चन आया है उसका डबल यहाँ नंबर आ जाए, 28 का डबल 56 यहाँ आ जाए, तो मेरा आंसर करेक्ट है। और अगर नहीं आ पाता है तो मतलब डाउट है कि कहीं हमने गलत किया। देखो एक और एग्जांपल बता देते हैं, हम एग्जांपल से ही आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आप अपने से सम बनाना। देखो अभी हम तब तक आपको ये सम भेजेंगे नहीं जब तक आप ये कहोगे कि नहीं मिस हम लोग से बने नहीं, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व बाई योर ओन। 5329 इसको भी उसी प्रोसेस से हम करेंगे। 5329 पहला स्टेप था पीछे से पेयरिंग करना, हमने पेयर बनाना शुरू किया। अब देखिए पहला नंबर 53 है, हम अब पेयर में नंबर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64। देखो 8 8 ज़ा 64 इससे बड़ा है, तो छोटा नंबर क्या होगा? 7 7 ज़ा 49। अकॉर्डिंग टू द लॉ इसको माइनस करा, 4 बच गया, ऊपर से बोरो करा, 29 बोरो हुआ। अगला स्टेप था ये नंबर यहाँ आके ऐड हो जाएगा, थोड़ा इधर घसका के लिखा क्योंकि अब हमको नया नंबर चाहिए। पीछे 9 लाने के लिए कौन से दो नंबर्स का ऑप्शन है? देखो ये सारे सम जो है ना, हम ऑलरेडी बताया गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए लॉन्ग डिवीजन से। पीछे 9 लाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 7 × 7 या 3 × 3, यानी कि हम या तो 143 × 3 करेंगे या फिर 147 × 7 करेंगे, यही दो नंबर है मेरे पास। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 2, कैरी 1, चलिए पहले से ही आ गया, यानी कि 143 × 3 किया तो 420, यानी कि इसको चूज़ करने की नौबत ही नहीं आई, क्रॉस हो गया। ऐड करके देख लिया कि क्या मेरा आंसर सही है, 146 जो कि 73 का डबल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 5329 इज इक्वल टू 73, इसका स्क्वायर रूट 73। एक और एग्जांपल करें, बोलो एक एग्जांपल और बता देते हैं, यह हमको लगता है कि क्लियर हो ही गया तुम लोग को। चलो एक और एग्जांपल बता देते हैं, ये है एग्जांपल 10609, ठीक है 10609, पीछे से पेयरिंग किया, ये सिंगल रह गया है। अब 1 है तो 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, माइनस किया 0, ऊपर से पेयर उतरा 06, 1 में 1 ऐड किया 2 आया। अब देखो हम अगर 1 सबसे छोटा नंबर 1 21 को भी 1 से करते हैं तो नंबर 21 आता है जो कि 6 से बड़ा है, यानी कि हम यहाँ पर कर नहीं सकते, हमको 0 से करना होगा। 20 0 ज़ा 0 यानी कि एक गैप खाली गया। अब अगली बार जो नंबर उतरा, यहाँ तो 6 बचा ही बचा है, ऊपर से क्या उतरा? 09 6 0 9 हो गया। अब 20 में 0 ऐड किए तो वापस 20 ही आया। अब पीछे 9 लाने के लिए फिर से मेरे पास दो ऑप्शन जैसे यहाँ दिए थे, 3 और 7। अब 6 0 9 है, हम 2 0 3 को 3 से करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 0 3 2 ज़ा 6, हमने 3 से किया, 6 0 9 आ गया, माइनस करा कैंसिल। अब ये 3 ऐड करके देख लो यहाँ पर, 206 हो जाता है, 103 का डबल 206, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10609 इज 103। क्लास इसी तरह से ये सारे सम्स बनेंगे, आप एक्सरसाइज 3E के फर्स्ट 12 सम्स बनाइएगा, ये 1 से लेके 12 तक के सम्स बनाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।